हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे NIOS 12th क्लास इकोनॉमिक्स का सिलेबस। अभी 2024 में जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं या उसके बाद जो भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे, उन स्टूडेंट को अब आपका ये वाला सिलेबस पढ़ना है। एक्चुअली पहले क्या होता था कि आपका क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न था वो सब्जेक्टिव टाइप ज्यादा था, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है। बट अब क्या हो गया है कि अब आपके पासिंग मार्क्स से ज्यादा ही आपके क्या पूछ लिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसे में NIOS ने क्या किया है कि आपके सिलेबस को भी रिड्यूस कर दिया, ठीक है। अब सिलेबस रिड्यूस हुआ, कौन से स्टूडेंट को ये 40% सिलेबस पढ़ना है, कौन से स्टूडेंट को नहीं पढ़ना, कौन से स्टूडेंट को पूरा सिलेबस पढ़ना है। काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये चैप्टर्स पढ़ने ही नहीं होते और वो क्या करते हैं, वो इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ते रह जाते हैं और वहां तक जो मेन चैप्टर होते हैं उनको पढ़ ही नहीं पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी परसेंटेज भी अच्छी नहीं बन पाती, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से आपको कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है, साथ ही साथ एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। आप 24 में एग्जाम देने वाले हैं, उसके आगे कभी भी आप एग्जाम देते हैं NIOS में, तो आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। सिलेबस को समझने से पहले समझ लेते हैं NIOS में दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक होते हैं आपके पब्लिक एग्जाम वाले स्टूडेंट और एक होते हैं आपके ऑन डिमांड वाले स्टूडेंट। ऑन डिमांड वाले स्टूडेंट कौन से होते हैं, देखिए ऑन डिमांड वाले स्टूडेंट होते हैं जिनका रेफरेंस नंबर या तो डी से स्टार्ट है या फिर उनका रेफरेंस नंबर सी से स्टार्ट होता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे मान के चल लीजिए जिनके एग्जाम जैन से लेकर मार्च में कराए जाते हैं, जैन से मार्च में कराए जाते हैं, या फिर आपके एग्जाम होते हैं जून टू सितंबर, ठीक है। इन मंथ में जो आपके एग्जाम कराए जाते हैं वो हमारे ऑन डिमांड के स्टूडेंट होते हैं। अब ऑन डिमांड वाले स्टूडेंट जो होते हैं उनको टीएमए का बेनिफिट नहीं मिलता। टीएमए मतलब होता है असाइनमेंट, 20 मार्क्स का एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट होता है, वो ऑन डिमांड वाले स्टूडेंट को टीएमए का बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपको टीएमए का बेनिफिट नहीं मिलता तो इसमें क्या होगा, जो ऑन डिमांड वाले स्टूडेंट है जिनका रेफरेंस नंबर डी से या सी से स्टार्ट है, जिनके एग्जाम आपके जून टू मार्च में या फिर जून टू सितंबर में कराए जाते हैं, उनको ये 40% का जो सिलेबस है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, चैप्टर 1 है ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी और आपका लेसन 2 इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है। तो ये वाले आपके जो चैप्टर्स हैं, जितने भी 40% का सिलेबस यानी कि 11 चैप्टर्स, ये आपको पढ़ने होंगे। सिर्फ यही नहीं, आपको ये वाला 60% सिलेबस भी पढ़ना होगा। मतलब आप टोटली ये समझिए जो ऑन डिमांड वाले बच्चे हैं उनको पूरा ही सिलेबस पढ़ना होगा, क्योंकि आपको टीएमए का बेनिफिट नहीं मिलता। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके चैप्टर के नाम, ये आपके चैप्टर के नाम है, ठीक है। ये आपके कितने चैप्टर हैं, 11 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। अगर हम बात करें पब्लिक एग्जाम वाले स्टूडेंट की, तो पब्लिक एग्जाम वाले स्टूडेंट कौन से होते हैं वो कैसे समझे, इनका रेफरेंस नंबर ए से स्टार्ट होता है या एन से स्टार्ट होता है, या फिर ये कह लें कि जिनके एग्जाम अप्रैल से आपके मई में चलते हैं, ठीक है, अप्रैल से मई तक एग्जाम चलते हैं, या फिर आपके एग्जाम चलते हैं अक्टूबर से नवंबर तक, ठीक है। ये एग्जाम जो आपके होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, पब्लिक स्टूडेंट होते हैं, मतलब पब्लिक एग्जाम होते हैं। तो ये जो स्टूडेंट होते हैं इनको क्या होता है कि टीएमए का बेनिफिट मिलता है, मतलब 20 मार्क्स का एक सब्जेक्ट का टीएमए का बेनिफिट मिलता है, एक तरीके से फ्री में ही आपको ये मार्क्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ये 40% का सिलेबस है इसको रिड्यूस कर दिया है ऐसे बच्चों के लिए जो हमारे पब्लिक एग्जाम वाले स्टूडेंट है, ठीक है। तो आपको ये 40% सिलेबस यानी कि 11 चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने होंगे, ठीक है। अब देखिए जो पब्लिक एग्जाम वाले स्टूडेंट है उनका कितना फायदा है, एक तो आपका क्या होगा कि आपको सिर्फ 60% सिलेबस कवर करना होगा, 20 मार्क्स आपको एक तरीके से फ्री में मिल जाते हैं। आपको क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने होते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं, उनका आंसर आपको बुक से फाइंड आउट करने होते हैं। अगर वहां से नहीं मिल रहे हैं, आपको फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, आप उनकी हेल्प से भी यहाँ से सोल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक तो टीएमए का बेनिफिट मिल रहा है, प्लस आपको 40% सिलेबस नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि ये वाले टीएमए के 11 चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने। अब आपको पढ़ना क्या है, आपको सिर्फ ये 60% सिलेबस यानी कि 18 चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। देखिए 2024 में या उसके बाद जो भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे उन स्टूडेंट के लिए एग्जाम पास करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अब क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके 32-35 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं कुछ सब्जेक्ट में, वो डिफरेंट आपको वीडियोस मिलेंगी चैनल पर उसके बारे में। तो यहाँ पर क्या होगा कि बच्चों को पास होना तो बहुत आसान हो जाएगा, बट आप इस 60% सिलेबस को अगर अच्छे से कवर कर लेते तो आप बहुत अच्छी परसेंटेज भी ला सकते हैं, क्योंकि आपको टीएमए का बेनिफिट मिला है, 40% सिलेबस आपको पढ़ना नहीं है, 60% सिलेबस आपको अच्छे से कवर करना है। तो इसके लिए आपकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, हमारा जो कोर्स है उसको लॉन्च कर दिया गया है। आप प्ले स्टोर से जाके हमारा ऐप कोर्सेज क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप यहाँ से इन आपके चैप्टर्स को देख सकते हैं, ये आपके टीएमए वाले चैप्टर्स हैं जो आपके ऑन डिमांड वाले स्टूडेंट को पढ़ने, और जो आपके पब्लिक एग्जाम वाले स्टूडेंट हैं उनको सिर्फ ये वाले चैप्टर पढ़ने, ठीक है, चैप्टर 8, 9, 10, 11 ये वाले चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। इसका पीडीएफ आपको अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। और भी हेल्पफुल वीडियोज आपके लिए यहाँ पर चैनल पर आने वाली हैं, क्योंकि ये चैनल स्पेशली NIOS के बच्चों के लिए बनाया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरीके की हेल्पफुल वीडियोज मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।